मैं दाल मखनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये माश की दाल ली है छिलकों वाली 3/4 कप। इसके अलावा मैंने रेड किडनी बीन्स लिए हैं 1/2 कप। ये पहले से मैंने बॉईल करके रखे हुए ये लिए। और इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून फ्राइड अनियन ली है। 2 टमाटर यूज़ करूँगी। इसके अलावा मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं और मेरे पास ज़ीरा है भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। इसके अलावा कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून और चाट मसाला है 1/2 टीस्पून। और मेरे पास है बे लीव है, मैंने 2 यूज़ करूँगी मैं। और 1 बड़ी इलायची है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून और इसके अलावा सॉल्ट है 3/4 टीस्पून और हल्दी है 1/4 टीस्पून। चलें अब शुरू करते हैं। ये मैंने इंस्टेंट पॉट में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें तेज़पात और बड़ी इलायची शामिल कर दी। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं ये लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी भी डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। पानी का इस्तेमाल करेंगी ताकि ये मसाला जले नहीं। प्याज शामिल कर दी मैंने। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उबाल आने देंगे और उसके बाद मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। मैंने दाल शामिल कर दी है और इसके साथ ही मैंने पानी भी डाला है, 1/2 कप डाला है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें चाहिए नहीं होता क्योंकि मैंने दाल पहले से भिगोई भी थी और इंस्टेंट पॉट में ज़्यादा पानी नहीं यूज होता, वो वापस से निकल आता है जितना पानी होता है। थोड़ा बहुत दाल लिएगी, बाकी जलेगा नहीं। आप चाहें तो बाद में और ऐड भी कर सकते हैं और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप बाद में इसको ड्राई भी कर सकते हैं। सॉटे मोड कैंसिल करके मैंने ये प्रेशर कुक पे 15 मिनट का टाइमर लगा दिया। अब मैं इसे कुक करूँगी। ये दाल हमारी बिल्कुल सही गल गई है, जितनी गली भी होनी चाहिए। अब इस स्टेज पे मैं इस पर ये ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और लाल और ग्रीन चिलीज़ डालूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें ये बॉयल्ड रेड किडनी बीन्स भी डाल दूँगी। मिक्स करूँगी। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा पकाएंगे और इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक मिर्च भी चट लेंगे। ये हमारे रेड बीन्स तो पहले से ही बॉइल्ड थे, बस मेरे ख्याल में 5 मिनट्स मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है ताकि सब चीज़ों का आपस में टेस्ट आ जाए। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से बटर डाला है, थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम डाली है और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा गार्निश इसको तली हुई प्याज से किया है। और बटर और क्रीम दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़ाहिर है दाल मखनी है तो बटर तो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।